सब्सक्राइब करो कैंपस टीवी इंडिया ते बेल आइकन नो दबाओ लेटेस्ट अपडेट्स दे लई। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो कैंपस टीवी, मैं सुखजीत ते अज मैं तुहानू मिलान जा रहा हां टारगेट 9 दे डायरेक्टर सुखविंदर सिंह जी नाल। सब तो पहले तुहाडा स्वागत है सर। सब तो पहला सवाल मैं ही पुछूंगा, आईएलटीएस जदों आपां गल करदे हां, जदों पीटी दी गल करदे हां, स्पोकन इंग्लिश दी गल करदे हां, तां की फर्क की है इहनां च? सर जिहड़ा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है वो तो जस्ट परसनल ग्रूमिंग दे लई हुंदा है कि तुसी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स जिहड़े हैगे वो इंप्रूव करना चाहुंदे हो। तुसी उन्हूं इंटरव्यू दे परपज लई भी कर सकते हो, तो तुसी वैसे ही जो तुसी नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी हुंदी है डेली रूटीन दे विच उहदे लई कर सकते हो जी। बट जिहड़े आईएलटीएस या पीटी या टॉफल टैसट है, ये इंग्लिश असैसमेंट दे टैसट है, ये स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा दे लई या पीआर दे लई अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी एम्पलॉई जिहड़ा हैगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो ओवरसीज जाना चाहुंदा है तो उन्हूं ये टेस्ट देने पैंदे हैं कि उत्थों उहदी इंग्लिश असैस हुंदी है कि वह किन्ना प्रोफिशेंट है इंग्लिश दे विच, ताकि उस कंट्री दे विच जाके जिहड़ी कि एक इंग्लिश स्पीकिंग नेशन हैगी है उत्थे सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो किस तरह दीयां कंडीशनस दे विच वह लोगों नाल कम्यूनीकेट कर पाएगा। चलो ये तो गल हुई भी बेसिक्स, आपां इहदी गल करिए, जेकर असीं गल करिए टारगेट 9 की, तुसीं थोड़ा जिहा आपदे बारे भी दसो भी तुसीं टारगेट 9 तक किद्दां पहुंचे, किन्ने साल हो गए टारगेट 9 नूं जलंधर दे विच? सर मैं टारगेट 9 इंस्टीट्यूट जो है 2013 दे विच स्टार्ट किया सी। मैं आप फॉरन की स्टडी के लिए अप्लाई किया सी, उहदे लई मैं आइल्स दा टेस्ट जिहड़ा है वो दिता सी, तो मेरा ओवरऑल 8 स्कोर आया, तो रीडिंग लिसनिंग दे विचों 9 स्कोर आया। फिर मैं देखा कि इत्थे जो आइल्स की प्रैपरेशन हैगी है इन्नी वधिया तरीके नाल नहीं कराई जाती, जबकि आइल्स कुछ स्ट्रैटेजीज़ ते कुछ टैक्नीक्स दे नाल आराम नाल टैकल किया जा सकता है। सो मैनूं इदां लगा कि मैनूं सोसाइटी दे लई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो मैं ये इंस्टीट्यूट फिर ओपन किया, तो उस तो बाद विच लोगों ने अपना विश्वास जताया, तो असी कुछ स्टूडेंट्स नूं पहला जो कोचिंग दित्ती उन्हां दा बड़ा मतलब बहुत वधिया स्कोर आया, बड़ा एनकरेजिंग स्कोर आया, कई स्टूडेंट्स दा 8 बैंड ओवरऑल भी आया, 7 ईच कई लोगों के आए। फिर उस तो बाद लोगों का होर विश्वास वधदा गया, तो साढ़े हुण जिहड़े स्टूडेंट्स है वो जे आपां साल दर साल गल करिए तो हर साल अराउंड 30-50 स्टूडेंट्स इदां दे हुंदे आ जिन्हां दा 7 तो वध स्कोर आउंदा ही आउंदा है। तो पी टी एक नवां टैसट जो आया है आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड दे लई, जो कि हुण कैनेडा लई भी अप्रूव हो चुका है, उहदे विच साढ़े बहुत सारे स्टूडेंट का स्कोर 9 out of 9 बैंड यानी कि 90 out of 90 भी इंडिविजुअल मॉड्यूल खास करके स्पीकिंग दे विचों आया है, तो 7 ईच दे कोई अराउंड 30 स्टूडेंट्स है जिहड़े सिर्फ साढ़े पिछले कोई 4-5 महीने दे विच ही आए हुए हैं। सो बहुत वधिया रिस्पोंस स्टूडेंट्स का भी मिलिया, तो कुछ असी भी कोशिश की कि असी उन्हां दीयां एक्सपेक्टेशंस नूं फुल। जदों असी आईएलटीएस की गल करते हैं, खास तौर पर पंजाब की गल हुंदी है, तो आईएलटीएस दे ते वीज़ा लाने वाले बड़े सारे इंस्टीट्यूट पंजाब दे विच खुल चुके हैं, तो तुसीं अगर आईएलटीएस दे इंस्टीट्यूट की आप गल करिए टारगेट 9 उन्हां इंस्टीट्यूट्स तो जो होर इंस्टीट्यूट्स है किदां वक्खरा है? सर मेरी हमेशा अप्रोच रही है कि असी किसी भी प्रॉब्लम नूं उदों ही खत्म कर सकते हैं जदों असी उहदा रूट कॉज फाइंड कर लईए, कि असी सिर्फ टेस्ट दे के किसी की प्रैपरेशन नहीं कराईदी, असी पहले देखी कि रियली स्टूडेंट नूं प्रॉब्लम की है, कि उहदी वोकैबलरी की दिक्कत है, मतलब इंग्लिश की दिक्कत हुण है अगर वह सपोज करो प्रैपरेशन करना है, वो घर बैठ के बैंड अपने रिक्वायर्ड नहीं लै पाया, पर उन्हों अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है इंग्लिश की, अंडरस्टैंडिंग की क्यों है, ग्रामैटिकली उन्होंने पता नहीं लगता सेंटेंस कितना बनाए जाते हैं, या वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं सकता या फिर वो सेंटेंस नहीं बना सकता इस करके इंग्लिश नहीं बोल सकता जी। सो रियली प्रॉब्लम कितने असी वो प्रॉब्लम नू खत्म करीदा, असी टॉपिक वाइज टॉपिक समझाईदा स्टूडेंट्स। उस तो बाद मेन जो गल ये है कि असी फीडबैक जो सैशन अपने रखी दे है वो बहुत ज़्यादा वो उत्ते आप जोर लगाई दा, बहुत ज़्यादा फोकस करी दा है कि स्टूडेंट अगर कुछ क्वेश्चन गलत करता है तो टीचर उन्हों ये तो दसे कि केड़ा क्वेश्चन वह गलत होया, क्यों गलत होया, तो सही क्यों है, यानी कि तुसी 4 चॉइसिस दे विचों ए चॉइस लगाई है आंसर बी है, तो बी क्यों है तो ए क्यों नहीं है, उन्होंने दोनों चीज़ा पता लगनिया चाहिए, ही शुड नो दैट वेयर ही वेंट रोंग, सो दैट ही कैन इंप्रूव हिमसैल्फ। So, this is what is unique. ते साडा इह स्टूडेंट्स दा चैनल है कैंपस टीवी, ते अगर मैं गल करां जिवें टॉफिल दी गल कर लईए, आईएस दी गल कर लईए, या पीटी दी गल कर लईए, जिहड़े बंदे ने जल्दी जल्दी इन्हां चों कोई भी एग्जाम क्लीयर करना होए तां किहड़ी चीज़ ज़्यादा ईजी है करनी? सर उहदे लई पीटी जो एग्जाम है उहदियां डेट्स बहुत जल्दी अवेलेबल हो जांदियां,
ਤੇ ਟੋਫਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਆਇਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਕ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ, ਪੀਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੀਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੀਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 30% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਲੱਸ ਟੂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ 10th ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80-20 ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 30% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਕੈਸ਼ ਐਸਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਇਲਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਬਾਕੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਹ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ Target 9 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ Campus TV, ਯੂ ਮਿਸ ਨਥਿੰਗ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ Campus TV India ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ।